नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके सामने के दो दांतों के बीच में गैप है, जिसे हम मिड लाइन डाइस्टिमा कहते हैं, तो इसे ठीक करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? क्या हम इसे घर में ठीक कर सकते हैं? अगर हमें क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराना है तो ऑप्शन क्या क्या होंगे और उनका खर्चा कितना आएगा, आइए जानते हैं। मिड लाइन डायस्टिमा हमारे दो दांतों के बीच के गैप को कहते हैं। मिड लाइन डायस्टिमा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो हो सकता है जो आपका फ्रीनम है, इसे हम लेबियल फ्रीनम कहते हैं। इस फ्रीनम के फाइबर्स का बढ़ जाना, बहुत सारे लोगों में फ्रीनम के फाइबर्स हड्डी में नीचे तक पहुंच जाते हैं, जिससे दांतों के बीच में गैप आ जाता है। यदि जो ये फाइबर्स हैं ये बहुत स्ट्रोंग हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में हैं तो ये गैप बहुत ज्यादा होगा। अगर ये बहुत कम है, हल्के से हैं, तो ये गैप कम होगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके दो दांतों के बीच में कोई तीसरा दांत, जिसे हम सुपर न्यूमररी टूथ कहते हैं, वो आ गया हो। समय के साथ आप देखेंगे कि दो दांतों के बीच में छोटा सा व्हाइट कलर का एक गोल सा या तिकोना सा दांत है। ये जो दांत है ये थर्ड दांत है, इसे निकाल दिया जाता है, लेकिन निकालने के बाद यहाँ एक गैप हो जाता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि जो आपकी जबड़ी का साइज है वो बहुत बड़ा है और आपके दांतों का साइज छोटा है, जिसके चलते आपके दांतों के बीच में गैप आ गया हो। चौथा रीजन हो सकता है कि आपका कोई और दांत आया ही ना हो, जैसे लेटरल इंसाइजर, जो आपके सेंट्रल सेंटर वाले दांत का बगल वाला दांत है, अगर वो नहीं आया तो जो आपका सामने का दांत है वो थोड़ा साइड में आ जाएगा और एक जो गैप है वो बन जाएगा। अगर दांत जो पक्का दांत होता है वो अपनी जगह नहीं आया और दूसरी जगह आ गया, तो ये गैप और बड़ा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आपके सामने के दांत में गैप आ जाए। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? इसका ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दो दांतों के बीच में जो गैप है वो कितना है। अगर गैप कम है तो हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मौजूद है। पहला, हम नॉर्मल कैप लगाकर इस दांत के गैप को भर सकते हैं। दूसरा, हम डेंटल विनियर्स के ऊपर जा सकते हैं। डेंटल विनियर्स सामने के सरफेस पे दो कैप लगा दी जाती हैं, जिससे कि ये गैप भरा जा सकता है। हम डायरेक्ट कॉम्पोजिट फिलिंग, जिसे हम फिलिंग कहते हैं दांतों की, वो कराकर भी हम इस गैप को भर सकते हैं। अगर ये गैप बहुत ज्यादा है और जो आपका फ्रीनम है उसके फाइबर्स बिल्कुल नीचे तक आ रखे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। केस में जो पहले फाइबर्स हैं हमें उन्हें कट कर ऊपर करना पड़ता है, फिर जो गैप बचता है उसे ऑर्थोडोंटिक वायर के द्वारा आमने सामने के दांतों पर प्रेशर लगाकर एक दूसरे के पास लाया जाता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में काम आता है, जैसे कि अगर आपके दांत दूसरी जगह आ रखे हैं या दूसरा दांत नहीं है, तो उन सभी केसेस में हमें क्या करना होता है, पहले हमें दांतों को सही अलाइनमेंट में लाना होता है। अलाइनमेंट में दांत एक बार आ जाते हैं, उसके बाद हम पहले उस गैप को भरते हैं और जो दांत नहीं आया है उसकी जगह हम एक नया दांत लगा देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मिड लाइन डायस्टिमा को आप घर पे ठीक कर ले, तो वो किन केसेस में हो सकता है? मिड लाइन डायस्टिमा उन केसेस में घर पर थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, जिन केसेस में जो ये गैप है ये 2 mm से भी कम है और जो सामने के दोनों दांत हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ को हैं। बाकी सारे दांत ठीक हैं, जो सामने के दो दांत हैं थोड़ा बाहर की तरफ को हैं। ऐसे केस में अगर हम उन पर लगातार उंगली से प्रेशर बनाए रखेंगे तो चांसेस हैं कि वो दोनों दांत थोड़े अंदर चले जाए और वो गैप बंद हो जाए। अलावा अगर आप अपने दांतों के बीच के गैप को कम करना चाहते हैं, तो ये इस बात पर ही निर्भर करेगा कि कितना गैप है, उसमें और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन पॉसिबल हैं और उस गैप का रीजन क्या है। रीजन जाने बिना गैप को फिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।